सो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू स्टडी हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है। ठीक है, सो देर आर वेरियस मेथड टू प्रिपेयर अल्केन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी हियर हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर फ्रॉम अल्किन। अल्किन से कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो अल्किन से अगर हमको अल्केन प्रिपेयर करना है, ठीक है, तो अल्केन ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अल्केन ये कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है। ठीक है, आप तो सबको पता है। ठीक है, अल्केन जैसे मिथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, ओके, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑनेन और डिकेन, ये क्या है सर, हाइड्रोकार्बन से। ये किससे बने हुए थे, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं। ठीक है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से, यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, दीज आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्किन। सो अल्किन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्किन बाय फर्स्ट मेथड इज बाय कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ओके, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2। ओके, एडिशन ऑफ H2 मींस उसी को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डाई हाइड्रोजन गैस। ठीक है, डाई हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ H2 ऑन अल्केन, किसको ऐड हो रहे हैं, अल्किन को ऐड हो रहे हैं, नॉट अल्केन, अल्किन को ऐड हो रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा। सो दिस हाइड्रोजन गैस इज एडेड टू अल्किन टू फॉर्म, किसके प्रेजेंस में, किसमें प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ओके, फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट। Which catalyst are used here? So we can use nickel catalyst, platinum catalyst, or palladium catalyst. These are the metals. Okay, these metals act as a catalyst in this process. Okay, in these reactions, these metals are act as a catalyst. So these metals increase the rate of reactions. What is the use of catalyst? To increase the rate of reaction. So here we are going to use nickel, platinum and palladium. Understood? तो जब ये reaction perform होती है, okay? जब ये reaction perform होती है, तब क्या होता है? ये जो platinum और nickel और palladium, ये जो catalyst है, इनके ऊपर, इनके surface के ऊपर dihydrogen gas जो layer है, ये dihydrogen gas एडसॉर्ब हो जाती है। क्या होती है, एडसॉर्ब होती है। ठीक है, और एडसॉर्ब हो जाने की वजह से ये क्या करता है, ये कैटालिस्ट हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड एक्टिवेट करता है। ओके, एक्टिवेट द हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई दीज हाइड्रोजन आर अवेलेबल फॉर द रिएक्शंस। ओके, एंड इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द अल्केन, can prepare alkene. So what is the reaction taking place there? So let's write here. So इसमें reaction कौन सी होती है? So here we are going to take any alkene. Okay. So what is the formula? CH2 double bond CH2 प्लस, यहां पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, H2 हाइड्रोजन गैस ऐड कर रहे हैं, और किनके प्रेजेंस में, निकेल या प्लैटिनम या पैलेडियम, इनके प्रेजेंस में हम क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे H और H, दो हाइड्रोजन एटम्स यहां पर प्रेजेंट है। ओके, जब ये हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम और निकेल या पैलेडियम के सरफेस पर जब एडसॉर्ब हो जाएंगे, तब ये अवेलेबल हो जाएंगे रिएक्शन के लिए। सो ये हाइड्रोजन, ओके,
यहाँ पर देखो अगर हमने इसकी फोल्ड की मैकेनिज्म अगर यहाँ पर लिख दी तो कैसे होगा, ठीक है, ये कार्बन 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 की वैलेंस कितनी है, 4 है, ठीक है, इस कार्बन के भी 4 है, तो दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर अटैच है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स इसके यहाँ पर गए, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर गए, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर हमको ब्रेक करना है, ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना है, ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो हम दो हाइड्रोजन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या होगी, CH2 CH3, ओके CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दिया हमने CH3, ओके, ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ये हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टूड, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, CH3 CH3, ओके, दैट इज द अल्केन, हियर विल गेट इथेन, ओके, इथेन, एंड दिस इज इथेन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेन, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्केन, ओके, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, नाउ लेट्स टेक अनदर रिएक्शन, ठीक है, दूसरे रिएक्शन कौन से हैं, दूसरे रिएक्शन हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है, कौन सी, यहां पर हम ले रहे हैं इथिन का स्ट्रक्चर, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हियर, एनी ग्रुप हियर अटैच टू कार्बन एटम्स सिस मैनर, इन सिस मैनर, ओके, और हियर वी आर गोइंग टू टेक हाइड्रोजन एटम्स, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्किन, अल्किन, एनी अल्किन, ओके, सो दिस डी ग्रुप्स आर अटैच इन सिस मैनर, अंडरस्टूड, सिस मैनर मैंने कल बताया था आपको, सिस और ट्रांस मैनर क्या होता है, सिस, ओके, तो हियर दिस इज द सिस फॉर्म, ओके, सिस सिस अल्किन, हम इसको क्या बोलेंगे, सिस अल्किन, सो व्हेन वी एड H2 गैस, ओके, H2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम या पैलेडियम, देन व्हाट विल हैपन हियर, क्या मिलेगा हमको प्रोडक्ट, तो हमको ये प्रोडक्ट्स मिलेगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मिलेगा हमको, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हमको मिलेगा यहाँ पर, इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा यहाँ पर RDH, ठीक है, और यहाँ पर DHR, ठीक है, तो इस तरह से हमको प्रोडक्ट्स मिलेगा, ये क्या है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड का कन्वर्शन सिंगल बॉन्ड में हो गया, ये हो गया हमारा अल्केन, ठीक है, अल्केन हमको यहाँ पर मिला, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजोअल्केन, ठीक है, मेजोअल्केन, ठीक है, अंडरस्टूड, सो दिस इज द अनदर रिएक्शन, ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्केन, अल्केन से हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, और हमारे पास अगर हमने ट्रांस ट्रांस स्ट्रक्चर लिया, ट्रांस अल्किन ली, ठीक है, अगर हमने ट्रांस अल्किन लिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर D आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर, ट्रांस, ठीक है, ट्रांस अल्किन बोलेंगे इसको हम, ओके, जब ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होता है, हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होता है, तब इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम पैलेडियम देन we get here these two products, we get here these two products, okay, here okay, here D H R and R D H, ठीक है, so these are plus or minus, plus or minus का मतलब क्या होता है, अगर ये यहां से ऐसा rotate हो रहा है, ठीक है, ये rotate होता है, ये क्या शो करता है, आइसोमर्स है, एक आइसोमर्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस आइसोमर्स, ठीक है, तो ये अगर यहाँ इस तरह से रोटेट होता है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से तो निगेटिव फॉर्म होगा, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, प्लस आइसोमर्स फॉर्म करेगा, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, यहाँ पर तो ये आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है,
अंडरस्टूड. सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन. सो आई होप अंडरस्टूड दिस. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्कीन. सो बाय हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय प्रोटोलिसिस. सो हियर प्रोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटोलिसिस मीन्स व्हाट? प्रोटॉन ट्रांसफर. ओके, प्रोटोलिसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर इन द रिएक्शन. ओके, ट्रांसफर इन द रिएक्शन. रिएक्शन में प्रोटॉन का ट्रांसफर हो जाना. ओके, तो ये कैसे होती है रिएक्शन, सो देख लेते हैं. सो यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन. ओके, सो हाइड्रोबोरेशन मतलब बोरेन से, ठीक है, बोरेन से हाइड्रोजन का ट्रांसफर हो जाना. ठीक है, ये बोरेन है. ओके, बोरेन अगर हमने लिया BH3. ओके, BH3 तो BH3 को हम इस तरह से लिखेंगे BH3H. तो ये जो प्रोटॉन है इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं. ठीक है, सो प्रोटॉन मतलब इसको हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोबोरेशन, जैसे हाइड्रोजनेशन बोला था हमने. हाइड्रोजनेशन मतलब क्या होता है कि एडिशन ऑफ H2 डाइहाइड्रोजन गैस. हियर हाइड्रोबोरेशन, ठीक है, तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन ट्रांसफर होना. ठीक है, बोरेन से हाइड्रोजन गैस, नॉट गैस, हाइड्रोजन प्रोटॉन ये ट्रांसफर हो जाना रिएक्शन में. ठीक है, सपोज हियर आर टेकिंग एनी इथिन CH2 double bond CH2. ओके, देन वी एड हियर बोरेन CH2H. ओके, दिस बोरेन वी राइट हियर लाइक दिस. ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लैटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट. ओके, तो एक बात आपको पता है, प्लैटिनम और पैलेडियम ये जो कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे एक्ट होते हैं. ओके, रूम टेम्परेचर पे. ठीक है, बट ये जो निकेल कैटलिस्ट है, दिस निकेल कैटलिस्ट, इसको रिलेटिवली हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है. ठीक है, हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इसके लिए. तो आपको ये ध्यान बाद में आपको ये बात ध्यान रखना है. ठीक है, तो ये जो प्लैटिनम और पैलेडियम रूम टेम्परेचर पे एक्ट होता है, और निकेल इसको रिलेटिवली हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर उसको रिक्वायर्ड होता है. ठीक है, तो इन दिस रिएक्शंस व्हाट इज द मैकेनिज्म हियर, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. सो हियर दिस हाइड्रोजन्स, ओके, दिस हाइड्रोजन कंबाइन टू दिस कार्बन्स. ओके, एंड दिस BH2 ग्रुप्स इज कंबाइंड हियर. So overall mechanism we can write like this way, CH2, okay, यहाँ से एक bond break हो गया, यहाँ से एक transfer हो गया electrons, यहाँ से एक electron transfer हो गया. तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे H यहाँ पर add हो रहा है. ठीक है, और CH2 यहाँ पर क्या add हो रहा है? BH2. ठीक है, again हम यहाँ पर एक प्रोटॉन को ऐड कर रहा है. ठीक है, एच पॉजिटिव, ये प्रोटॉन्स को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर. तो ये प्रोटॉन्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, तो हमको फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3. ठीक है, ये CH3 हो गया, एक एच यहाँ पर ऐड हो गया, CH3 ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. तो CH3 और ये CH2 है. ठीक है, CH2 और यहाँ पर BH निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, BH निकल जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा CH3, दैट इज द इथेन. ओके, दिस इज द इथेन, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट्स. ओके, वी ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन. ओके, दिस इज द इथेन. सो वी प्रिपेयर्ड अल्केन फ्रॉम अल्कीन. ओके, दिस इज द अनदर मेथड. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस. इसके जैसे हम एक अनादर एग्जाम्पल ले लेते हैं आपको समझ. इज द अनादर एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोबोरेशन. ओके, फॉलोड बाय प्रोटोलिसिस. सो हियर वी आर टेकिंग हियर प्रोपीन. ओके, प्रोपीन व्हेन रिएक्ट्स विथ बोरेन. ओके, दिस इज बोरेन. बोरेन के साथ जब ये रिएक्ट होता है, ओके, तो हमने बोरेन को कुछ इस तरह से लिख दिया है. ओके, ताकि हमको रिएक्शन लिखने में इजी हो जाए. ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐसा लिख दिया है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? बोरेन ऐड हो रहा है. तो हमने ये हाइड्रोजन कहाँ पर ऐड हो जाएगा? यहाँ पर ऐड हो जाएगा. ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा नहीं, ये यहाँ पर तो कंप्लीट है, एक इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो हम फाइनल रिएक्शन क्या मिलेगी हमको, CH3, ठीक है, CH और यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम ऐड करवा रहे हैं, ठीक है, CH यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लिख देंगे, हमने अभी ऐड करना बाकी है, ठीक है, तो CH2 यहाँ पर हम क्या ऐड कर रहे हैं, BH2 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर हम प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट रिएक्शन कर रहे हैं, H पॉजिटिव प्रोटॉन को ऐड कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको फाइनल प्रोडक्ट, CH3 CH2, ठीक है, CH2 यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड हो रहा है इसलिए, तो यहाँ पर हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CH3, यहाँ से ये Br BH2 निकल जाएगा, ठीक है, सो दिस इज द, ठीक है, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड वी कॉल इट एज ए इथेन, तो इथेन हमको मिलेगा, ओके, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर इथेन मीन्स अल्केन फ्रॉम अल्किन, ओके, सो प्रोपीन से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्केन इथेन तैयार कर सकते हैं, ठीक है, तो दिस इज द अनदर रिएक्शन, सो थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन इज अल्किन इज रिड्यूस बाय डाइमाइड, ओके, डाइमाइड का फॉर्मूला आपको पता है N2H2, ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डाइमाइड, इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N H और H, ओके, दिस इज द अनदर फॉर्म, सो अल्किन रिड्यूस होता है, रिड्यूस का मतलब आपको पता है, रिड्यूस होना, रिडक्शन होना मतलब क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, सो हियर अल्किन को हाइड्रोजन ऐड हो जाना, ठीक है, अल्किन के साथ हाइड्रोजन का ऐड हो जाना, इसका मतलब क्या, रिड्यूस हो जाना, अल्किन रिड्यूस हो जाना, ठीक है, सो अल्किन इज रिड्यूस बाय डाइमाइड, सो द रिएक्शन टेकिंग प्लेस देयर इज लाइक दिस, सपोज दिस इज अ कार अल्किन, ओके, दिस इज अल्किन एंड हियर आर ग्रुप इज अटैच हियर, ओके, दिस इज अनदर ग्रुप and here is also R group attached here and this is another group. So here R का मतलब क्या होता है? R means what? R is called as the any aryl or alkyl groups. Okay. So R dash R R. Okay. R called as the alkyl or aryl groups. Okay. Any alkyl or aryl groups. तो alkyl का मतलब आपको पता है? Alkyl का मतलब क्या होता है? जैसे मिथिल हो गया, इथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, यहाँ पर ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथिल ग्रुप्स, इसी को क्या बोलते हैं हम, इथिल ग्रुप्स, ओके, इसी को क्या बोलते हैं हम, C3H7, इसको क्या बोलते हैं हम, प्रोपिल ग्रुप्स, तो इस तरह से ये क्या है, यहाँ पर R की जगह ये सब होगा, ठीक है, या एरिल ग्रुप, एरिल का मतलब क्या होता है, जैसे बेंजिल हो गया, ओके, बेंजिल ग्रुप, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर उसके रिंग है तो इसको हम क्या बोलेंगे, एरिल ग्रुप्स, ठीक है, तो यहां तक क्लियर है आपको, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखो, ओके, सो दिस अल्किन गेट रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ एन डबल बॉन्ड एन एच एच और NH2 अमाइड ग्रुप्स, ठीक है, NH2 और यहां पर H2O2, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस इट गेट रिड्यूस एंड फॉर्म अ प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होता है, ओके, दिस इज द प्रोडक्ट, ओके, एंड दिस इज द अनदर प्रोडक्ट आर, ओके, आर डी एच, ओके, आर डी एच, यहाँ पर आर डी एच, ये प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म होता है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, इसको हम क्या बोलेंगे, मेजो अल्केन, ठीक है, ये मेजो फॉर्म है इसका, मेजो फॉर्म, ठीक है, तो इसको ये क्या है, अल्केन है, तो इस तरह से हम अल्किन से अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, अल्किन से, ये अल्किन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, मतलब अल्किन है, ठीक है, अल्किन से हम अल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं, ओके, अंडरस्टूड दैट, और यहां पर देखो
ये जो डाइमाइड ग्रुप है, ओके, दिस डाइमाइड ग्रुप इज एक्ट्स एज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, सो इट एक्ट्स एज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट फॉर, किसके लिए, सिर्फ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट करके काम करता है। लेकिन ये सिलेक्टिव एजेंट करके काम किस फॉर्म में नहीं करता, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के लिए ये नहीं होता, ठीक है। इट कैन नॉट एक्ट एज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट इन केस ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड या कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या, ठीक है, तो इन फॉर्म में, इस फॉर्म में वो सिलेक्टिव रिड्यूसिंग करके एक्ट नहीं करता, ठीक है। इट कैन नॉट एक्ट एज ए सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस केस, ओके, अंडरस्टूड दिस। सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्केन, ओके स्टूडेंट। सो फोर्थ मेथड हम देख लेते हैं, फोर्थ मेथड कौन सी है अल्केन प्रिपेयर करने की, सो बर्च रिडक्शन मेथड, ओके। सो विद हेल्प ऑफ दैट मेथड वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्केन। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल्स, सो हियर फॉर टर्मिनल, ओके, फॉर टर्मिनल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सोडियम एंड अमोनिया, ओके, सोडियम और अमोनिया एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट करके काम करते हैं, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एनी अल्कोहल, ठीक है, एनी अल्कोहल, सो वी गेट अल्केन, ठीक है, हमको क्या मिलता है, अल्केन मिलता है, ठीक है। तो किस तरह से ये रिएक्शन होते हैं देख लेते हैं, ठीक है। सपोज हमने एक कोई भी अल्केन लिया है CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, सपोज ये हमारा क्या है, अल्किन है, ठीक है, अल्किन, तो R की जगह हम कोई भी एरिल, और R का मतलब क्या होता है, एनी अल्किल और एरिल ग्रुप होता है, ठीक है, अल्किल और एरिल का मतलब क्या होता है, अल्किल का मतलब क्या होता है, जैसे मिथिल हो गया, प्रोपिल हो गया, ब्यूटिल हो गया, पेंटिल हो गया, एक्जिल हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पर CH3 ये मिथिल ग्रुप कहलाता है, ठीक है, C2H5 ये क्या इथिल ग्रुप है, तो R की जगह हम ये लिख सकते हैं, ठीक है, कोई भी अल्किल और एरिल ग्रुप लिख सकते हैं। एरिल का मतलब क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे बेंजिल वगैरह हो गया, बेंजिल क्लोराइड वगैरह हम लिखते हैं ना, तो बेंजिल एरिल, एरिल मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक है, रिंग रिंग वाला स्ट्रक्चर, तो हम इसको एरिल बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो रिएक्शन क्या होती है, देखो अल्किन इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, सपोज हमने मिथेनॉल लिया है यहाँ पर, मिथेनॉल एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, सोडियम NH3, ओके, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वी विल गेट हियर न्यू प्रोडक्ट्स, दैट इज R, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिड्यूस का मतलब करता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन अवेलेबल करना होता है, इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करना होता है, ठीक है, तो हमको प्रोडक्ट्स क्या मिलेगा, RCH2CH3, ठीक है, RCH2CH3, तो ये हमको क्या मिलता है, समझो हमने R की जगह कोई भी मिथिल या इथिल ग्रुप लिख दिया, ठीक है, मिथिल ग्रुप, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2 एंड CH3, इसको क्या बोलेंगे हम, एक दो और तीन कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5 और 8, ठीक है, तो C3H8, ये किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन का फॉर्मूला है, ओके, सो वी विल गेट प्रोपेन हियर, सो प्रोपेन इज अल्केन, ठीक है, प्रोपेन, सो इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर अल्केन फ्रॉम अल्केन, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम अगले मेथड देखेंगे फ्रॉम अल्काइन, अल्काइन से हम अल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए सपोज हमने एक अल्काइन लिया है RC ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, CH, ये क्या है, अल्काइन है, ठीक है, अल्काइन, ये अल्काइन लिया है हमने, तो अल्काइन की रिएक्शन हम H2 से करते हैं, ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इसके साथ जब हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, प्लैटिनम पैलेडियम या निकेल, ओके,
ये कैटालिस्ट के प्रेजेंस में या ट्वाइस सी एच थ्री ओ एच अल्कोहल के प्रेजेंस में, ठीक है। सो दिस एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल, ओके। तो यहाँ पर अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं यहाँ पर, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट मिलेगा सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ओके एच, तो इस तरह का हमको प्रोडक्ट मिलेगा। ये रिडक्स, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, एच हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। ये ऑलरेडी हाइड्रोजन यहाँ पर ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाने के बाद दो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, तो इस तरह से हमने ऐड कर दिया, ठीक है, समझ में आया। तो बाद में क्या करते हैं, इसको 200 डिग्री सेल्सियस या 300 डिग्री सेल्सियस को हीट करते हैं, ठीक है। और किसके प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, पैलेडियम या प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल प्लस H2 के प्रेजेंस में, ठीक है। H2 के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फॉलो होती है और हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, कौन सा प्रोडक्ट, RCH2, ठीक है। R यहाँ पर हम ऐसा लिख देंगे RCH, ठीक है, ये CH यहाँ पर H और यहाँ पर H, तो इस तरह से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिला। ये क्या है, अल्केन है, ठीक है, अल्केन है, समझ में आ गया आपको। तो इसमें से आप कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हो, प्लैटिनम या पैलेडियम या निकेल, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ओके, यू कैन गेट द अल्केन, ओके। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया है। देखो, दो हाइड्रोजन का एडिशन मतलब क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाना, ठीक है, यहां से एक बॉन्ड निकल जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं हम तो, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं तो एक यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, फिर से हम रिडक्शन कर रहे हैं यहाँ पर और H2 ऐड कर रहे हैं तो एक और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, इस तरह से हमको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अल्केन। और एक बात इसमें है, महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पैलेडियम या प्लैटिनम लेते हैं रिएक्शन में, ओके, देन वी यूज पैलेडियम या प्लैटिनम, ओके, एज अ कैटलिस्ट, ओके, इसको अगर हम यूज करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन, इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिडक्शन प्रोसेस बोलेंगे, ओके। यहाँ पर लिख देंगे हम, ओके, व्हेन, ओके, व्हेन पैलेडियम या प्लैटिनम इज यूज एज ए कैटालिस्ट, ओके, एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट इन द रिएक्शन, इन द रिएक्शन, देन इन द रिएक्शन, देन This is called as, this is called as simple reduction. इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपल रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल रिडक्शन, ठीक है, सिंपल रिडक्शन बोलते हैं। और जब हम निकेल यूज करते हैं, ओके, तो जब हम निकेल यूज करते हैं तो वो चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, ओके, जब हम रिएक्शन में निकेल यूज करते हैं, ठीक है, निकेल इज एक्ट एज ए कैटालिस्ट, ओके, जब रिएक्शन में निकेल कैटालिस्ट करके एक्ट होता है तब इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इसी को दूसरी एक रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन, साबाटायर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं साबाटायर, साबाटायर, ठीक है, ओके, साबाटायर, ओके, दूसरी एक नाम है इसका, ओके, साबाटायर, ओके, इसको नाम क्या बोलते हैं हम, साबाटायर सेंडरन रिएक्शन, साबाटायर सेंडरस रिएक्शन बोलते हैं इसको, ओके। तो ये बात आपको समझ में है, जब निकेल हम कैटालिस्ट करके यूज करते हैं तो साबाटायर सेंडरसन रिएक्शन बोलते हैं या कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं, और जब हम प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं कैटालिस्ट करके तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंपल रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।